डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग नया चैप्टर करेंगे। उस नए चैप्टर का नाम है क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। ओके, अभी इसके पहले का चैप्टर था स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। अब हम लोग नया चैप्टर है, क्या नाम बताया मैंने, क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। ओके, तो इसे पहले समझिए क्यूब्स क्या होते हैं, उसके बाद क्यूब रूट्स हम लोग फाइंड आउट करेंगे। बट क्यूब्स पहले देखा जाए। आप जानते हैं कि वन इंटू वन लिख दिया जाए तो इसे वन क्यूब पढ़ते हैं और ये होता है वन। टू इंटू टू लिख दिया जाए तो इसे टू क्यूब पढ़ते हैं एंड इट इज एट। थ्री क्यूब लिखते हैं इसका 27। फोर इंटू फोर जो कि फोर क्यूब लिखेंगे, क्यूब पढ़ते हैं इसे फोर क्यूब्स और जो कि 64 होता है। एग्जैक्टली द 5 × 5 इसको 5³ जो कि 125 होता है। 6 × 6 × 6 60³ 216। 7 × 7 × 7 7³ इज इक्वल टू आपका होता है 343। और 8 × 8 × 8 इज इक्वल टू 8³। ये क्यूब है, पावर में 3 लिखते हैं 8³ जो कि 512। और 9 × 9 × 9 जो कि आपका होता है 9³। और आप जानते हैं इसका होता है 729। ओके, और 10 × 10 × 10 10³। ओके, जो कि 1000। तो फर्स्ट 10 नंबर्स का हमने क्यूब्स बताए, राइट। तो इससे कई पॉइंट्स आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप देखिए ऑड नंबर, ये 1, 3, 5, 7, 9 क्या है, ऑड नंबर्स हैं। तो ऑड के क्यूबिक्स क्या आए हैं, ऑड ही आए हैं, राइट। तो पहला पॉइंट हमें मिल गया कि क्यूब्स ऑफ ऑड नंबर इज ऑड, राइट। अभी हम पॉइंट्स लिखेंगे। इवन का देख लीजिए, इवन नंबर्स के जो भी क्यूबिक्स हैं, ये वाले नंबर्स इवेंस हैं, दैट और स्टिल इवन, क्या है, इवन है। तो अगर हम इवन का क्यूब्स निकालें तो ये क्या आएंगे, इवन आएंगे, राइट। फिर एक चीज और देख सकते हैं कि 3 के मल्टीपल्स जो भी हैं, ये 3 का मल्टीपल्स है, 3 का मल्टीपल्स है, 3 का मल्टीपल्स है। तो अगर हम किसी मल्टीपल ऑफ 3 जो नंबर्स है वो मल्टीपल ऑफ 3 है तो उसका क्यूबिक मल्टीपल ऑफ 27 होगा। ओके, और उसके बाद अगर 2 का मल्टीपल कोई नंबर है तो वो 8 का मल्टीपल आएगा। तो ये थोड़े से पॉइंट्स थे, उन पॉइंट्स को हम दिखा दे रहे हैं, आप लोग लिख लीजिए। फर्स्ट है क्यूब्स ऑफ ऑल ऑड नंबर्स, क्या हमने सिखाया, ये लर्न रहने चाहिए 10 तक के, एटलीस्ट 10 तक के क्यूब्स आपको लर्न रहने चाहिए, याद रहने चाहिए। कम से कम 10 तक के क्यूब आपको लर्न रहने चाहिए। स्क्वायर अगर 20 तक याद रहे तो बेहतर है, वैसे तो जितना लर्न करें उतना बेहतर है, राइट। बेस्ट की कोई अपर लिमिट नहीं होती है। और एक चीज़ और कहेंगे कि अब तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जो वीडियो पसंद आए उसे लाइक भी किया करिए, शेयर करिए। ओके, नाउ हम इसमें पॉइंट्स बता दे रहे हैं, पॉइंट्स टू रिमेंबर, ध्यान रखना ये पॉइंट्स टू रिमेंबर, इसको याद रखिए। फर्स्ट पॉइंट्स है द क्यूब्स ऑफ ऑड नंबर्स इज ऑड, और ऑड क्यूब्स ऑफ, क्यूब कहते हैं ऑफ ऑड नंबर इज ऑड, सिंगुलर में लिख रहे हैं। सेकंड पाया द क्यूब ऑफ, बल्कि क्यूब्स प्लूरल लिखिए, और ऑड ऑड रहेंगे। द क्यूब्स ऑफ इवन नंबर्स is even, okay? ध्यान रखना है ये। उसके बाद हम लोग इवन नंबर्स हैं, हम लोग आर करते हैं आर इवन। सेकेंड क्या था, द क्यूब्स ऑफ मल्टीपल ऑफ 3, उन्होंने देखा था, वॉच किया था, द क्यूब्स ऑफ मल्टीपल ऑफ 3, अगर कोई नंबर 3 का मल्टीपल है, क्यूब्स ऑफ मल्टीपल ऑफ 3 इज मल्टीपल ऑफ 27, ध्यान रखिए। ओके, और 2 का यदि मल्टीपल है, नेक्स्ट पॉइंट मिल रहा है, द क्यूब्स ऑफ मल्टीपल ऑफ 2 इज मल्टीपल ऑफ 8, किसका मल्टीपल होगा, 8 का मल्टीपल होगा, राइट। एक पॉइंट और हम यहां दिखा दे रहे हैं,
बाद में काम आएगा. द क्यूब्स ऑफ नेगेटिव नंबर इज नेगेटिव, ये भी ध्यान रखिएगा. द क्यूब्स ऑफ नेगेटिव नंबर्स इज नेगेटिव, हमेशा नेगेटिव होता है, ध्यान रखिएगा. अगर हम नेगेटिव नंबर का क्यूब्स करें तो नेगेटिव ही आता है. दीज आर द पॉइंट्स टू रिमेंबर एंड यू शुड लर्न देम, ओके. इन्हें याद रखना चाहिए आपको. अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कराएंगे. पहली फर्स्ट एक्सरसाइज जो कि 4A है, एक इजी एक्सरसाइज है. फर्स्ट क्वेश्चंस आप लोगों ने पहले से ही हो सकता है समझा दिया है, फिर भी एक आध पार्ट हम करा दे रहे हैं. एक्सरसाइज अब हम करेंगे 4A. 4A एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन है क्यूब्स निकालने हैं. फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, फाइंड द क्यूब्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स. फाइंड द क्यूब्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, जो नंबर्स दिए हुए हैं उनके क्यूब्स निकालना है, राइट. कौन कौन से नंबर फर्स्ट क्वेश्चन में दिए हैं, 5, 30, 23, 78 and 100, जो भी नंबर दिए हैं यू कैन फाइंड आउट. 5 का क्यूब, जैसे सॉल्यूशन में आप 5 का क्यूब अभी बताया था, 5 into 5 into 5, और जो कि कितना आ जाएगा 125. उसी तरह से आप 30, 23, 78, ओके, 78 का या 100 का, 23 का कोई भी क्यूब, 23 क्यूब मीन्स 23 into 23 into 23, आप मल्टीप्लाई करके आप लिख लेंगे, ओके. कैन यू फाइंड द क्यूब्स ऑफ एवरी नंबर, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे क्यूब्स आ जाए, ओके. तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, यू हैव टू कंप्लीट इट. नाउ सेकंड क्वेश्चन, लिस्ट द क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 11 टू 25, ओके. आप 11 से 25 के क्यूब्स को अपनी कॉपी में लिस्ट करेंगे, राइट. कहां से देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, यू कैन सॉल्व इट, यू कैन डू इट, कर सकते हैं इसे. क्या कहा है, लिस्ट द क्यूब्स ऑफ, क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, लिस्ट द क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 11 टू 25 के सभी नेचुरल नंबर्स का आप क्यूब्स लिस्ट करेंगे. एंड चेक वेदर द क्यूब्स ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स आर ऑड, यस यू नो इट, आप लिख लेंगे यस, क्यूब्स ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स इज ऑड. और नेक्स्ट है द क्यूब्स ऑफ इवन नेचुरल नंबर इज इवन, ये भी पॉइंट हम बता चुके हैं, तो आप लिख दीजिएगा यस, क्यूब्स ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स इज इवन, ओके. ध्यान रखिएगा, तो किसके किसके कहां से कहां तक, 11 का, 11 का आप लिस्ट करेंगे, 11 into 11 into 11, और इसको मल्टीप्लाई करके आप लिख देंगे 121 का 11 में, 11 11 11 22 123 और 11 13 31, आप इसको लिख सकते हैं, राइट. इस तरह से आप सभी नेचुरल नंबर्स कहां से लिस्ट करेंगे, और 12 का क्यूब इसी तरह से 12 into 12 into 12 मल्टीप्लाई करके लिख देंगे. कहां तक लिस्ट करना है, 25 क्यूब 25 into 25 into 25 मल्टीप्लाई करके आप लिख देंगे, और यस इसमें इवन नेचुरल नंबर का जो क्यूब होगा वो इवन होगा, ऑड नेचुरल नंबर का जो क्यूब होगा वो ऑड, राइट. ये पहले ही हम 1 टू 10 के क्यूब्स में बता चुके हैं, राइट. नाउ थर्ड क्वेश्चन, यस ऑफ कोर्स यू कैन डू इट, कर सकते हैं इसको, कर लेंगे कॉपी में, जो कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है. विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट क्यूब्स, आपको पहचानना है उनमें परफेक्ट क्यूब्स कौन से हैं, ओके. विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट क्यूब्स, परफेक्ट क्यूब्स कौन से हैं, ये आप व्यवाच करना है. जैसे इसमें नंबर्स दिए हैं 54, जो कि आप जानते हैं नहीं है, 250 ही आपको वॉच करना है, 512 ये परफेक्ट क्यूब है, अभी आपने किया था. उसके बाद नेक्स्ट नंबर है 1331, ये भी आपने देखा था 11 का क्यूब है, तो परफेक्ट स्क्वायर ये होगी, परफेक्ट क्यूब, ये परफेक्ट क्यूब हो गया, ये परफेक्ट क्यूब्स नहीं है, ओके. एंड नेक्स्ट है 3375,
और लास्ट डिजिट दिया है 24,000, 20,000, ओके। इसका देखिए एक तरह से और अगर बड़े डिजिट्स हैं तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन जैसे 3375 है तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आप करेंगे राइट, और देख लेंगे जैसे 5 से क्या लेगा, 5 6 30 एंड 5 7 5 5 5 से करेंगे 5 1 5 3 5 5 5 2 एंड 5 2 10 5 7 ये आपका 3 9 3 3 ये आपका बन जा। देखिए इनके अगर 3 के ग्रुप बन जाइए, ओके ग्रुप ऑफ 3 बन जाइए, ग्रुप ऑफ 3 है यानी ये 15 का क्यूबिक है, देख लीजिए 5 और 3। तो ये कौन कौन से हैं, ये परफेक्ट क्यूब है ये नहीं है राइट, फिर भी आप इसको चेक कर लेंगे, जैसे मैंने बताया था ये परफेक्ट क्यूब नहीं है राइट, इसका तो 10 और इसका 24 का कोई भी क्यूबिक्स नहीं है, यहाँ क्यूब को ग्रुप ऑफ 3 जीरोस को फॉलो करना, फॉलो करेगा तो होगा। तो आपके जो परफेक्ट क्यूब्स हैं 512 1331, इसका क्यूब्स आप जानते हैं, अभी किया था मैंने, 6 का है ये, सॉरी 8 का है ये, आपका 11 का है और ये 15 का है राइट, आखिर नहीं राइट। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए क्या दिया है, अब एक्सरसाइज इजी एक्सरसाइज है, नथिंग इन द एक्सरसाइज। जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 4th, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय व्हिच 5400 शुड बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट क्यूब। अभी मैंने इनडायरेक्टली आपको ये क्वेश्चन बता दिया है, क्या दिया है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, स्क्वायर रूट में भी ऐसे क्वेश्चन थे, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय व्हिच 5400 should be multiplied so that the resulting number becomes perfect cubes। ये परफेक्ट क्यूब्स हो जाए तो किस नंबर से मल्टीप्लाई करना चाहिए, इस नंबर को किस नंबर से मल्टीप्लाई करने पर ये परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, इसका सलूशन देखिए, सलूशन में आप क्या करेंगे, 5400 का आप प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट राइट, टू से काटते हैं, 2 2 4 2 7 0 0, 3 से कर सकते हैं, 3 से करिए, 3 9 9 900, फिर से 3 से काट लीजिए, 3 3 300, 9 300, आप चाहें तो इसको फिर से 2 से काट दीजिए, 50, फिर से 2 काटिए, 25 25 का आप जानते हैं 5 5, और लास्ट में क्या आ जाएगा 5, ओके ध्यान रखिएगा। इस तरह से हम 5400 को ये प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 5 × 5, जहां 3 के ग्रुप्स नहीं कंप्लीट होंगे। देखिए यहां से कैसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करना चाहिए, देयरफॉर 5400 कैन बी रिटन एज 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 5 × 5। देखिए इसका 3 का ग्रुप कंप्लीट हो गया, इसका 3 का ग्रुप कंप्लीट हो गया, इसमें ग्रुप बनने के लिए किस नंबर की जरूरत है, 5 की जरूरत है राइट, 5 की, ये नंबर हमने मल्टीप्लाई करने पर ये परफेक्ट क्यूब बन जाए राइट, देयरफॉर वी शुड मल्टीप्लाई बाई किससे, किसकी जरूरत थी, ग्रुप ऑफ 3 बनाने के लिए 5 की जरूरत थी, नीड थी बाय 5, सो इट बिकम्स परफेक्ट क्यूब्स हो जाएगा राइट। तो 3 के ग्रुप्स के लिए जो नंबर्स नीडेड होता है उसी नंबर से वी शुड मल्टीप्लाई, हमें उसी से मल्टीप्लाई करना होता है टू बिकम इट परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट क्यूब राइट, ध्यान रखना है। नाउ
क्वेश्चन इसी तरह का है, एग्जैक्टली बिल्कुल इसी तरह का है और जैसा हमने फोर्थ क्वेश्चन कराया एग्जैक्टली सेम तरह का, कौन सा है फिफ्थ, यू हैव टू सॉल्व इट। ओके नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन, फाइंड द लीस्ट नंबर वी शुड टू डिवाइड, चेंज हो गया क्वेश्चन, क्वेश्चन चेंज है इसलिए सिक्स हम बताएंगे। ये मल्टीप्लाई का क्वेश्चन था, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय व्हिच वी शुड मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई टू बिकम्स परफेक्ट क्यूब्स, वो है डिवाइड। डिवाइड में क्या होगा, जो एक्स्ट्रा फैक्टर होंगे उससे डिवाइड किया जाता है, राइट, जो नीड होती है उससे मल्टीप्लाई किया जाता है और जो एक्स्ट्रा होता है उससे डिवाइड किया जाता है। तो देख लीजिए, वो भी क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपका सिक्स, क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या लिखा है, फाइंड द लीस्ट नंबर बाय व्हिच, फाइंड द लीस्ट नंबर बाय व्हिच, by which 5632 should be divided hona chahiye, that percent is the perfect cube ban jaye। ठीक है, सेम तरह का है, प्राइम फैक्टराइजेशन इसका फाइंड आउट करेंगे, जो फैक्टर्स एक्स्ट्रा होंगे ग्रुप ऑफ थ्री के बाद जो फैक्टर्स एक्स्ट्रा होंगे उससे डिवाइड करेंगे, बस इतना सा है। तो सॉल्यूशन में आप क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 5632, टू से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि लास्ट में 2 है, 3 जा 4, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 6 जा 2, 1 जा 2, 4 जा 0, 2 8 जा 27 जा 0, 24 जा, फिर से 2 से कटेगा, देखिए 23 जा, 25 जा, 22 जा, 2 से डिवाइड कर देंगे, 21 जा, 27 जा और 26 जा, फिर से 2 से डिवाइड हो जाएगा, 28 जा, 28 जा, फिर 2 से डिवाइड होगा, 44, हम यहाँ करते रहे देखिएगा नहीं, उसके बाद 44 को किससे डिवाइड कर दें, 2 से, देख लीजिए 2 से डिवाइड करेंगे यहाँ 22 आएगा, फिर से 2 से डिवाइड हो रहा है 11, 11 से डिवाइड करेंगे 1, के प्राइम फैक्टराइजेशन आस, राइट, क्या लिख सकते हैं, देखिए वी कैन राइट 5632 एज, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन देखिए 2 into 2 into 2 2 into 2 into 2, देखिए कितने हैं इसके फैक्टर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9, 1 2 3, देखिए एक ग्रुप हो गया, दो ग्रुप हो गया, तीन ग्रुप हो गया, into 11 ग्रुप्स जो बने हैं, थ्री के जो ग्रुप्स बने हैं उससे एक्स्ट्रा नंबर कौन सा है, 11, तो किससे डिवाइड करना होगा, ये नंबर एक्स्ट्रा है, राइट, वी शुड डिवाइड बाय 11, डिवीजन का पूछे डिवाइड पूछे तो 11, जो एक्स्ट्रा फैक्टर होंगे ग्रुप ऑफ 3 से जो एक्स्ट्रा फैक्टर होंगे उससे डिवाइड किया जाता है, देयरफॉर वी शुड डिवाइड बाय 11, देयरफॉर वी शुड डिवाइड बाय 11, किसके साथ करना है, डिवाइड बाय 11, कौन सा नंबर दिया था, 5632 by 11 to yeah, that kar lijiye, that it becomes perfect cube ke liye kisse divide karna tha, jo extra factor tha group of 3 se, jo extra factor tha usi se divide karna, right, एग्जैक्टली इसी तरह से सेवेंथ क्वेश्चन है, आप उसे करेंगे, ओके, एंड नाउ एट्थ क्वेश्चन, एट्थ क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब ऑफ साइड 19 सेंटीमीटर, राइट, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ध्यान रखिएगा
वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू जो इसकी साइड होती है साइड क्यूब, साइड का क्यूब कर दिया जाता है राइट, साइड इनटू साइड इनटू साइड 19 क्यूब मींस 19 इनटू 19 इनटू 19 आप इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, 19 का 19 से मल्टीप्लाई करेंगे ओके आएगा और फिर इसे 19 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 19 1 19 9 1 हो जाएगा और 19 7 133 और 1 134 313 1913 इतना आ जाएगा 32 ये आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, मल्टीप्लाई चेक कर लेंगे ओके ये मल्टीप्लाई गलत लग रहा है, 19 का 271 होना चाहिए ओके 19 into 19 99 81 1 9 8 17 19 गलत है बेटा 19 जा आप एक ही रो छोड़ दिए थे 19 जा 11 जा 1 7 9 16 361 इन 19 क्यों आपने किया होगा मल्टीप्लाई करके फिर 19 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 19 1 98 9 1 19 6 114 और 1 115 11 हो जाएगा और 19 3 57 और 11 और ऐड कर दीजिए इसमें 68 ओके मल्टीप्लाई कर लेंगे कुल मिला के राइट तो वो सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा ओके नथिंग बस इतना ध्यान रखना है साइड क्यूब होता है 19 into 19 into 19 आप मल्टीप्लाई कर लेंगे ओके जितना भी आएगा वही सेंटीमीटर क्यूब लिख देंगे वॉल्यूम 3 यूनिट होती है पावर 3 क्योंकि 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा चलिए नाइन्थ क्वेश्चन देखा जाए फाइंड द क्यूब्स ऑफ एनी 5 इवन नेचुरल नंबर्स किसी भी 5 नेचुरल नंबर्स का करिएगा वेदर वेरीफाई वेदर द क्यूब ऑफ ईच इवन नेचुरल नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 8 यस कर सकते हैं देखिए नाइन्थ क्वेश्चन में क्या करना है फाइंड द क्यूब्स ऑफ फाइंड द क्यूब्स ऑफ एनी 5 इवन नेचुरल नंबर्स किसी 5 नेचुरल नंबर्स का आप क्यूब करिएगा छोटे नंबर्स ले लीजिएगा नंबर्स वेरीफाई वेदर whether the cube of each even natural number is natural ये मैंने बताया था multiple cube number is multiple of 8 मैंने कहा कि कोई 5 इवन नंबर्स का आपको क्यूब करना है और फिर वेरीफाई करना है आपको बताना है कि द क्यूब ऑफ ईच इवन नंबर नेचुरल नंबर इज मल्टीपल ऑफ 8 तो ये तो पहले ही होता है आपको वेरीफाई करना है राइट देखिए यहां से क्या करेंगे कोई इवन छोटे नंबर्स लीजिए 2 का मल्टीपल जैसे 4 है 4 का क्यूब करिए फर्स्ट नंबर आप जानते हैं इसको 16 और जो कि 8 का मल्टीपल है 8 into 2 which is multiple of 8 4 के बाद 6 भी 2 का मल्टीपल होता है जो कि 216 which is also multiple of 8 8 2 जा 16 और 8 7 जा 8 राइट मल्टीपल है 8 का उसके बाद 8 का क्यूब आप जानते हैं कितना होता है 512 जो कि 8 का मल्टीपल है ओके 64, राइट उसके बाद है देखिए इतने कर लिया 10 का क्यूब करेंगे देखिए वेरीफाई कर लिया आपने कि सभी 8 के मल्टीपल होंगे आपने 1 2 3 4 का कर लिया आपका कितना आएगा आप इसी तरह कर लेंगे
टू का इवन का भी कर सकते हैं, जैसे देखिए शुरू में टू का भी कर लीजिए, सिंपल नंबर मिल जाएगा, टू का क्यूब कर लीजिए जो कि एट होता है, जो कि मल्टीपल ऑफ कितना है, एट है, और इसका हो गया 1000, और ये भी एट का मल्टीपल होता है 125। ओके तो क्या पाया, यस वेरीफाई हो गया, इट्स वेरीफाइड दैट जैकेट यस क्यूब्स ऑफ इवन, वी सी दैट कर दें, these results verify that cubes of even natural numbers is multiple of r kariya numbers le liya hai r multiple of A, verify over here. These results verify that the cubes of even natural numbers are multiple of 8. ये आपने 5 का कर दिया, ऐसा क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ था कि आप किसी इवन नंबर्स का क्यूब करिए एंड सो करना है कि विच आर मल्टीपल ऑफ, वेरीफाई करना है कि विच आर मल्टीपल ऑफ 8 जो कि 100, राइट। ध्यान रखना, दीज रिजल्ट्स वेरीफाई दैट क्यूब्स ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स आर मल्टीपल ऑफ 8। ओके तो लास्ट क्वेश्चन है, देखिए फाइंड द साइड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्यूब्स, क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, देखिए क्या दिया हुआ है, फाइंड द साइड ऑफ ईच ऑफ द क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द साइड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग following cubes whose volumes are given, okay, ये दिए हुए हैं। तो सबसे पहले इसका क्यूब्स इस एक्सरसाइज में तो ये क्वेश्चन नहीं देना चाहिए क्योंकि आपने अभी क्यूब्स फाइंड आउट नहीं सीखा, फाउंड आउट करना, बट इन्होंने गलत जगह क्वेश्चन दिया हुआ है, बट कैसे करेंगे ये देखिए, बॉटम का क्यूबिक रूट, क्योंकि क्यूब्स निकालना आप, क्यूब रूट्स निकालना आप नेक्स्ट एक्सरसाइज में सीखेंगे, तो इन्होंने गलत जगह क्वेश्चन दे दिया है, राइट। तो फिर भी हम करा दे रहे हैं कैसे क्यूब्स, प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेते हैं और उसमें क्यूब्स के ग्रुप्स बना लेते हैं, क्यूब जो थ्री के ग्रुप्स होते हैं उनमें से एक डिजिट लिखते हैं, स्क्वायर्स में पेयर से एक डिजिट लिखते हैं और क्यूब्स में ग्रुप ऑफ थ्री से वन डिजिट लिखते हैं, बस ग्रुप ऑफ थ्री से वन डिजिट लिखते हैं, राइट। ध्यान रखना है, तो इसका फर्स्ट पार्ट में देखिए कितना वॉल्यूम दिया है, सेकंड पार्ट अपने आप कर लेंगे, फर्स्ट पार्ट है 21952 सेंटीमीटर क्यूब, ये दिया हुआ है आपको, मीटर क्यूब है, सॉरी मीटर क्यूब, इट्स गिवन मीटर क्यूब। तो देखिए साइड ऑफ क्यूब इज इक्वल टू, साइड ऑफ क्यूब इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम, क्यूबिक रूट ऑफ, क्यूबिक रूट में यहाँ थ्री बनाते हैं, ये क्यूबिक रूट है वॉल्यूम, राइट, क्यूबिक रूट ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम देखिए 21952। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट कर लीजिए, बस क्या करना होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन, किसका प्राइम फैक्टराइजेशन, 21952 प्राइम फैक्टराइजेशन निकालिए, 2 2 1 0, 2 9 0 2 7 0 और 2 6 0, फिर से 2 से 2 5 0 2 4 0, 2 8 0 2 8 0 फिर से 2 से काटिए 2 2 0 2 7 0 2 4 0 2 4 0 फिर से 2 से 2 1 0 2 3 0 2 7 0 2 2 0 फिर से 2 से कैंसिल करिए, यहां से देखिए क्या आता है 2 6 0 2 7 2 8 0 16 2 6 0, फिर से 2 से कटेगा 2 3 0 2 4 0 2 3 0, ये आप जानते हैं कि ये 7 का है, 7 4 0 7 9 0 and 7 7 0 and 7, ओके okay? ये हमने प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लिया, क्या रखेंगे, देयरफॉर साइड ऑफ क्यूब इज इक्वल टू, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन हम लिख लेंगे,
साइड ऑफ क्यूब इज इक्वल टू, जो क्यूबिक बना हुआ था उसमें प्राइम फैक्टराइजेशन, देखिए कितने टाइम्स हैं, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, उसके बाद × 7 × 7 × 7 ग्रुप से, देखिए 3 के ग्रुप से एक नंबर आप लिख लेंगे, यहाँ से 2, यहाँ से 2, यहाँ से 7, मल्टीप्लाई कर लेंगे। अभी क्यूब्स निकालना नेक्स्ट एक्सरसाइज में भी सीखेंगे, परेशान नहीं हो रहा है। 3 के ग्रुप से एक डिजिट लिखते हैं बस, मल्टीप्लाई कर लीजिए 28 मीटर, तो साइड ऑफ क्यूब कितना आ गया, और 28 मीटर। इस तरह से हम इफ वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज गिवन वी कैन फाइंड द साइड ऑफ क्यूब, ओके, बाय कैलकुलेटिंग इट्स क्यूबिक, राइट, इसका क्यूब रूट्स निकाल के हम उसका साइड बता सकते, ओके। तो इस तरह से एक्सरसाइज 4A कंप्लीट हो गई, अब 4B हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, ओके, टिल देन बाय, हम नेक्स्ट